हाय एवरीवन, आज बनाएंगे हम अनियन भजिया यानी कि प्याज के पकोड़े। ये रेसिपी बहुत इजी है, थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ है, ज़रूर ट्राई करिए। चलिए अब शुरू करते हैं। आज बारिश का मौसम है और प्याज के पकोड़े खाने का मन कर आया। अब देखिए भीनी भीनी धूप आ रही है और कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे प्याज वाले पकोड़े। चलिए पहले शुरू करते हैं। मैं प्याज किस तरह काटती हूँ पकोड़े बनाने के लिए। प्याज को हाफ करके ऐसे लंबा लंबा काट लीजिए और फिर बस इसको ऐसे अनदर हाफ कर दीजिए, दैट इज़ क्वार्टर। ऐसे मैंने यहाँ पे 4 से 5 प्याज काट के रखे हैं और उनको अच्छे से खोल दिया है। अब बोल लीजिए, उसमें डालिए प्याज और नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच थोड़ा सा गरम मसाला। मैं डालती हूँ प्याज के पकोड़े में छोटा छोटा कटा अदरक भी और धनिया, फ्रेश कोरिएंडर। जब भी कोई बेसन की चीज़ बनाए तो ज़रूर डालिए उसमें अजवाइन। तो यहाँ मैंने डाला है 1 चम्मच अजवाइन। अब इस सारे मिक्सचर को हम मिक्स करके थोड़ी देर असाइड रखेंगे। इससे क्या एडवांटेज होगा कि आपको एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालना पड़ेगा और प्याज अपना मॉइस्चर छोड़ देगा। ये देखिए ऐसे, अब ये हल्का हल्का उसमें पानी आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। पानी नहीं डालने का एक और रीज़न है, थोड़ी देर बाद ये और पानी छोड़ता है तो लास्ट के जो पकौड़े होते हैं वो उसमें काफ़ी मॉइस्चर रह जाता है और फिर वो अच्छे से बाइंड नहीं होते हैं। चलिए अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए पानी हम डालेंगे पर अभी थोड़ी देर में। पहले इसी बेसन को इन प्याज में कम से कम पानी में डालेंगे क्योंकि अभी भी प्याज बहुत मॉइस्चर छोड़ेगा। अब डाला है मैंने थोड़ा सा पानी और मिक्स किया है। आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिक्स करते जाइए, देखिए इस तरह। अब ये काफ़ी हद तक रेडी है। मैं अभी भी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। देखिए अभी मैंने इसमें बिल्कुल पानी और नहीं डाला था और ये देखिए कितना इसमें मॉइस्चर है। ये एकदम परफेक्ट है अब पकोड़े बनाने के लिए। अब हम लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे तेल तलने के लिए। अगर आपको हाथ मैसी नहीं करना है तो कुछ इस तरह का स्पून आप यूज़ कर सकते हैं। ये फोक वाला स्पून है, इसको मैं जादुई चम्मच कहती हूँ। तेल चेक करने के लिए कि ये गरम हो गया है फ्राइंग के लिए, एक ये टिप है, आप लीजिए एक चॉपस्टिक और डाल के देखिए, अगर उसमें बबल्स बने दैट मीन्स एकदम रेडी है फ्राइंग के लिए। ये देखिए ऐसे, देखिए एकदम राइट टेम्परेचर था। पकोड़े बनाइए मीडियम लो मीडियम फ्लेम में और काफ़ी पेशेंटली बनाइए, ज़्यादा हाई फ्लेम मत करिएगा क्योंकि इसमें बेसन भी कम है। इसमें क्रंच तभी आएगा अगर आप इसको लो मीडियम फ्लेम में बनाएंगे। अब यहाँ पे धीरे धीरे इसमें क्रंच आएगा। ये देखिए कितने सुंदर बन रहे हैं यहाँ पकौड़े। हल्का हल्का इसमें रेडनेस और ऑरेंज कलर आता है, वो आता है क्योंकि हमने डाली है इसमें हल्दी। वैसे तो हल्दी ऑप्शनल है पर मैं रिकमेंड करती हूँ आप थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालिएगा। अब देखिए पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। बस अब इन पकोड़ों को किचन टॉवल में निकाल दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए कि तेल उसमें सोक कर जाए और सर्व करिए इसको ग्रीन और रेड चटनी के साथ। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या क्रंची पकोड़े बने हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़ लाइक दिस एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हाट द करी।